अब बात कर लेते हैं एग्री कॉमोडिटी की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की सुबह चर्चित कॉमोडिटी जो है उस जो गेहूं रही है, तो भारत सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से दुनिया भर के देशों में हलचल मची हुई है। G7 देशों के ग्रुप ने भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। वहीं जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में कॉमोडिटी की कीमतों का जो संकट है और ज्यादा बढ़ गया है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कि गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुझान खत्म होगा या फिर ये और आगे तेजी से बढ़ेगा? देखिए, अभी जो गेहूं की प्राइसेस लगातार तेज होती देखने को मिल रही थी, दरअसल हमने देखा कि मंडियों के अंदर लोगों ने काफी स्टॉक किया, जो बड़े स्टॉकिस्ट थे उन्होंने माल लगाना शुरू कर दिया और सरकार जो है इसकी खरीद नहीं कर पा रही थी। और दूसरा, एक्सपोर्ट डिमांड लगातार पिकअप होते नजर आ रहे थे, तो देर शाम शुक्रवार को सरकार ने ये नोटिस जारी किया और गेहूं के एक्सपोर्ट को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया ताकि गेहूं की बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सके। अगर दूसरे देशों से गेहूं के ऑर्डर आते हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट एक बार फिर से खुल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं का एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है ताकि जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि मार्केट में मंडियों में माल नहीं पहुंच रहा था, किसानों ने भी काफी होल्ड किया और जो ट्रेडर्स थे, स्टॉकिस्ट थे, उन्होंने भी भारी मात्रा में माल को स्टॉक करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी जिस तरीके से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है, कीमतें थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर एक बार फिर से बैन खुल जाता है तो वापस से कीमतें उछाल मारती नजर आएंगी। तो अभी के लिए सब जो है सरकार को ये एक्सपेक्ट था कि यहाँ पर भी गेहूं की कुछ फसलें जो है वो खराब होती हुई दिखाई दी है, जिससे हमारे यहाँ पर भी सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। इस वजह से भी ये कदम उठाना पड़ा कि गेहूं की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि गेहूं में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। लगभग 5 से 7% तक दाम अप्रैल महीने में चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और MSP से ऊपर मार्केट में माल बिक रहा है। फार्मर्स अपना माल मंडियों में लेकर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना माल स्टॉक कर लिया है और सरकारी खरीद भी घटती जा रही थी। तो अभी इससे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है और फिलहाल गेहूं की कीमतें थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई दे सकती हैं। रूपा जी, जैसे कि सरकार ने कहा है कि अब गेहूं की जगह चावल वितरण किया जाएगा, तो इसपे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी कि गेहूं की जगह चावल किया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए अगर सप्लाई डिस्टर्ब है तो हो सकता है कि उसकी जगह पर गेहूं का की जगह पर चावल को रिवर्स किया जाए, क्योंकि अभी गेहूं की डिमांड अच्छी खासी पिकअप हुई है और ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते एक्सपेक्टेड है कि आगे भी गेहूं की डिमांड बढ़ी रह सकती है। रूपा जी, अगर ग्वार गम ग्वार सीड की बात करें तो इसमें आगे कैसा रहेगा वायदा बाजार? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड की अगर बात की जाए तो आज करेक्शन में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 से 1.25% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत ज्यादा कोई करेक्शन में अभी भी नहीं है, मार्केट कोई घबराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि ग्वार स्टेबल हो चुका है यहाँ पर, ना तो कोई बहुत ज्यादा मंदी आती दिखाई दे रही है और ना ही कोई बहुत ज्यादा तेजी में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ग्वार के लिए अभी बाइंग में बने रहना चाहिए, जो भी करेक्शन आए उसमें खरीदारी की तरफ बने रह सकता है। जब तक देखिए 10,000 के नीचे नहीं लुढ़कता तब तक मुझे इसमें बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई नहीं देती है। 10,000 के नीचे लुढ़कता है तब इसमें सेलिंग की तरफ आना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती कि ग्वार बहुत ज्यादा करेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, मसालों में तेजी देखने को मिल रही है, तो मसालों में ये तेजी और आगे कितनी बढ़ सकती है, क्या राय है आपकी इस पे? देखिए, मसालों के अंदर मैंने हमेशा ही बुलेटिन में यही बोला है कि मसालों में खरीदारी की तरफ रहें और इसमें हर निचले स्तर पर बाइंग करनी चाहिए। आप देखिए, जीरा जो एक बार 21,000 के नीचे था आज फिर 22,000 के ऊपर है, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट था कि 22,000-22,500 का स्तर जीरे में भी बन सकता है। धनिया भी 12,000 के पार जा सकता है और आज आप देखिए एक्सपेक्टेड है कि धनिया भी आज 12,000 का लेवल छू लेगा और हल्दी में भी खरीदारी लौटी है। तो मेरे हिसाब से अभी बाइंग में ही रहना चाहिए मसालों के अंदर। 22,500 तक जीरा है और हल्दी आज हल्का करेक्शन दिखा रही है, लेकिन हल्दी में भी 8,000 के नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग अट्रैक्टिव हो सकती है। तो फिलहाल के लिए हल्दी में 8,000 के नीचे बाइंग करें और धनिया और जीरा जिन्होंने पहले बाइंग किया हुआ है वो बिल्कुल होल्ड करके चले, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इसमें कंटिन्यूशन में तेजी बनी रह सकती है और मुझे लगता है कि ये वाला मंथ फिलहाल तेजी वाला बना रह सकता है। रूपा जी, कपास कल आज MCX पर ये 1% की तेजी के साथ कारोबार करता दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है ये आगे तेजी कितनी बरकरार रहेगी? देखिए, कॉमोडिटी दोहराए, कपास खल की बात करें तो उसमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है इसमें आगे कितनी तेजी आगे बन सकती है, क्या कुछ देखने को मिलेगा?
देखिए कपास में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। अब यहाँ से मेरे हिसाब से कपास फल में जो लेवल है वो 2800 से लेकर 3000 का हो सकता है, क्योंकि देखिए कॉटन में तेजी लगातार जारी है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पिछले हफ्ते भी हमने ये डिस्कस किया था कि कॉटन जो है 50,000 का स्तर वायदा में छू सकती है, और आज आप देखिए 49,000 के ऊपर बाजार देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की तेजी कपास में आती हुई दिखाई दी है। कपास की रैली के चलते थोड़ा सा सपोर्ट बिनोला खल को भी है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है, क्योंकि जितनी तेजी अब हमने कपास में देखी है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बिनोला खल काफी स्टेबल हो चुका है और उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर लेवल जो है वो 2800 से फिलहाल 3000 का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कपास में कॉन्टिन्यूशन में तेजी है और अब ये तेजी 50,000 तक जाकर ही लगता है कि एक बार स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। वायदा के अंदर फिलहाल तेजी बनी हुई है और ये 50,000 के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, कैस्टर सीड का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है आगे, दर्शकों को ये जानना चाहेंगे। लेकिन कैस्टर में भी अभी जो है लेवल 7500 तक के एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, 7500 उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आएगी तो फिर इसमें तेजी लंबी बन सकती है, जो कि 8000 तक की हो सकती है। पहले भी हमने देखा था कि ये वही रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तभी इसके अंदर तेजी बनती दिखाई देगी, क्योंकि अभी थोड़ा एग्री कमोडिटीज का एक्सपोर्ट पिकअप होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एग्री कमोडिटीज में एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। और कैस्टर में एक्सपोर्ट डिमांड अगर बढ़ते हैं तो 8000 के स्तर संभव है, लेकिन फिलहाल के लिए 7500 के आसपास स्टेबिलिटी आ सकती है। वहां से अगर करेक्शन आई तो 7200 तक भी मार्केट गिर सकता है, तो फिलहाल के लिए बाइंग को अवॉइड करें। 7500 के स्तर के लिए बिल्कुल आप बाय करके चल सकते हैं। अभी बाइंग है वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर ऊपर जी हम खाद्य तेल की बात करें तो खाद्य तेल का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए अगर खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेलों में भी काफी उठा पटक का माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर सरसों हो, लेकिन ट्रेंड उनका भी पॉजिटिव है। अभी सभी एग्री कमोडिटीज मुझे लगता है कि एक बार फिर से तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके का सिनेरियो मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते तेजी बन सकती है, और सोयाबीन में भी एक्सपेक्टेड है कि बाजार जो है वो तेज रह सकते हैं। तेजी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा अभी अपसाइड मोमेंटम आप ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन हाँ सस्ते भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे मार्केट, छुटपुट गिरावट आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल ना तो मंदी की आशंका है और ना ही बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि रेंज बाउंड रह सकता है। क्योंकि देखिए जो डिमांड और सप्लाई है वो तो अभी डिस्टर्ब है ही है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पामोलिन का एक्सपोर्ट रुका हुआ है, अगर वहां से इम्पोर्ट चालू होता है तो वापिस से थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर तेजी बनी रह सकती है। मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें गिरावट दिखाई नहीं देती जी। मेंथा ऑयल का बाजार कैसा रह सकता है रूपा जी आगे? देखिए एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर मसालों में खरीदारी में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मसालों के साथ साथ ग्वार में भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। तो बाजारों की चाल में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।